समाज कल्याण विभाग में कुछ वैकेंसी निकाली गई है। कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस सबरियो में देखने को मिलेगा। और आप फर्स्ट टाइम इस सबरियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो भी सही जानकारी होगा हमेशा ढूंढ कर लाते और आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ऊपर में ही देख सकते हैं, ये जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई है, अब हम इसके बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और कौन कौन से पोस्ट के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते, क्लर्क है, ASS, टीचर, नर्स, लाइब्रेरियन, यानी कि बहुत सारा अलग अलग यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। तो यहाँ पर जो पोस्ट रखा गया है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी जानकारी अभी हम आपको देखने वाले हैं। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जॉब से रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, आपने देख लिया, और अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने फ़ोन से घर बैठे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मैटर नहीं रखता है कि आप किसी भी स्टेट से आते हैं, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एज है 18 ईयर, और मैक्सिमम जो एज है 45 ईयर होना चाहिए, यानी कि 45 ईयर अगर आपका एज है फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इंटरव्यू कौन लेगा, कैसे लेगा और कहाँ पर होगा। देखिए, इसका जो इंटरव्यू होता है जिला में ही होता है, क्योंकि जो अपर लेवल का सीनियर सर होते हैं उन्हीं के द्वारा यह वैकेंसी कंडक्ट की जाती है और इस पे बहाली भी ली जाती है। यहाँ पर इसका वेतन जो होने वाली है 5200 से स्टार्टिंग है, 20200 तक जाने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई भी चार्ज वगैरह देना नहीं है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते फिर भी। और मिनिमम 10th पास होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपने अगर 12th पास कर रखा है, या आपके पास ITI डिग्री है, यानी कि अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, तो अलग अलग पोस्ट है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 10th पास है फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है 15 मार्च है, वैसे डेट बढ़ता भी रहता है, ये फिक्स कोई नहीं होता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो डेट भी आपने देख ही लिया। और आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में कोई, जैसे यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए ई कल्याण, ई कल्याण लिख करके यहाँ पर आप वैकेंसी जैसे डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी और वैकेंसी यहाँ पर आने लगेगी। बट ये नेट सो रहा है, इसकी वजह से हम नहीं अभी दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से सारी जानकारी आप ले सकते हैं।